सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग जो हैं आपको एक और अपडेट देने वाले हैं, जो कि होने वाला है अपना जो नया 8 लेन का जो रोड बनने वाला है गांधी सेतु से लेके अपने गुलंबर तक, हाजीपुर तक के। तो आज हम लोग उसी अपडेट देने वाले। काम जो है बहुत तेज़ी चल रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा तेज़ी चल रहा है। तो आज हम लोग यहीं पर आ गए हैं। अभी हम लोग हैं होटल आरती के पास, जो पसवानगंज थोड़ा सा ही पीछे है, मतलब गजब इस साइड में है। और आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ किस तरह काम चल रहा है। ऊपर देखने जो मालूम चलता है कि काम नहीं हो रहा इतना, लेकिन ऐसे अगर नीचे आइएगा तब वो देखिएगा कि हम काम जो है किस तरह से चल रहा है। अभी आपको दिखाने वाले हैं बैक कैमरा से अपने कि किस तरह काम जो है चल रहा है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे होटल आरती है। और नीचे देखते हैं लोग को देखता है, ऊपर देखने लगता है कि ज़्यादा ऊंचा जो है रोड अभी नहीं बनाया। लेकिन देख सकते हैं नीचे यहाँ जो ओवर जो काम है, जो यहाँ से पुल उठाने का काम है, वो काफ़ी तेज़ी चल रहा है। यहाँ इतना जो हाइट है वो कर लिया गया है। ये अगर नीचे सर्विस लेन और यहाँ से जो फ्लाईओवर है पीछे से, वो उठता हुआ सीधे जाएगा ऊपर की तरफ, पासवान चौक को जो है क्रॉस करेगा। सुनने में भी आ रहा है कि ये 8 लेन होने वाला है, और साइज देख के लगता है कि 8 लेन ही होगा। काफ़ी ज़्यादा बस का नॉइस है तो उसको बचना है थोड़ा से। तो 8 लेन होने वाला है। देखते किस तरह से मट्टी पीली एकदम काम चल रहा है यहाँ पे। और देखते आगे जो है वो पाइलिंग मशीन जो है वहाँ पे लगी हुई है, जो पाइलिंग करती है। और जो पासवान चौक पे 2 पायों का काम जो है वो भी जमीन से पाया ऊपर दिखने लगा है, नीचे से ऊपर उठ चुका है, सरिया दिखने लगा है, उसका काम भी चल रहा है। और उस साइड में भी काफ़ी ज़्यादा ज़मीन जो है उधर से ले लिया गया है, उधर काम चल रहा है। हर जगह जो भी वायरिंग का काम है, शिफ्टिंग का काम जो है वायर का, वो चल रहा है। यानी जो पाया बीच में पड़ रहा है उसको हटा के सेट करने का काम जो है वो चल रहा है। हम चलेंगे आगे और आपको जहाँ है वहाँ से अपडेट करते चलेंगे। जहाँ दिखिएगा, जहाँ देखिए काफ़ी जाम जो है इसके कारण लग रहा है, अभी काफ़ी जाम यहाँ लग रहा है पासवान चौक के कारण। हम चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको कि कहाँ पर क्या काम जो है वो चल रहा है। और देखते हैं अभी हम लोग हैं पासवान चौक के पास, और ये जो पहला पियर है, पहला पाया जो है इसका बेस का काम कंप्लीट हो चुका है। और ऊपर देखिए छड़ जो है ऊपर दिखने लगा है, अब जो सरिया है वो एक और पाया है ठीक सीध में उसके, वहाँ से बेस का काम कंप्लीट हो गया है। और तीसरा पाया उधर देख सकते हैं आप, उसका भी जो है छड़ सब जो है वो ऊपर दिखने लगा है। इस बीच वाले का कंक्रीटिंग का काम बाकी है, और यहाँ कंक्रीटिंग काम हो गया है, तो यहाँ पर काम चल ही रहा है अभी। और जैसे मशीन से लगा हुआ है पाइलिंग, यहाँ कुछ दिन पहले पाइलिंग की गई थी, और यहाँ पे काम बहुत ही चल रहा है। देखते हैं रोड से कितना नीचे से जो है पाइलिंग किया गया था, और उसके बाद इसका जो नीचे का बेस है वो बन के तैयार है, और ऊपर जो है सरिया वरिया जो बांधने का काम है वो चल रहा है। इसे ड्राई होते ही इसके ऊपर का काम शुरू कर दिया जाएगा। और एक 2 पाया अभी और होने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा जो है अंडरपास होगा इसके लिए, क्योंकि यहाँ काफ़ी रश लगता है, जाम लगता है यहाँ पर। तो काफ़ी बड़े एरिया में इसका काम जो है वो चल रहा है, जैसे वहाँ भी है। और कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, इतना ज़्यादा रश है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं और नहीं आपको अपडेट दे पाते हैं। तो यहीं से हम लोग आपको अपडेट दे रहे हैं। अलाइनमेंट का काम पूरा हो चुका है इसका, उधर से जितना जो वायर है उसको शिफ्ट करने का काम भी इधर हो चुका है। जैसे यहाँ जो पोल उल है वो खाली हो चुका है, वहाँ पर नया पोल सब जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसमिट कर दी गई है। और आगे भी जो आपको चल दिखाते हैं, आगे भी जो है लगातार में ये काम चल रहा है। आप चलते दिखाते हैं आगे। और देखते ये सब 4th पाया है, यानी 4 जो पाया है उसका तो काम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और ऊपर का काम जो है बाकी है। देखते हैं इसके लिए जो इसका बनेगा, देखते हैं यहाँ पे फ्रेम में रखा हुआ है जिसके ऊपर जो कंक्रीटिंग की जाएगी फिर से, एक इधर एक यहाँ पे और पीछे 2, यानी 4 पाया काम हो चुका है। उसके बाद जो उधर साइड से पाया काम किया जाएगा, और टोटल जो 8 लेन का ये जो सड़क है वो होने वाला है, जिससे काफ़ी ज़्यादा काम जो किया जा रहा है। स्पेस देखते हैं कहाँ तक रखा गया, वहाँ तक जो है स्पेस को रखा गया है, काफ़ी जगह लेकर जब काम किया जा रहा है। और आगे तक भी लगातार इसी तरह का जो मंजर है वो देखने को मिलता है, हर जगह कुछ ना कुछ काम होता दिखेगा, कहीं मिट्टी फिलिंग तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ, हर जगह कई जगह नालों का जो काम है बचा हुआ देते हैं, वहाँ नाला काम बचा बाकी है, वो सब काम भी चल रहा है रेगुलरली। उस साइड में भी जो है अभी काम भी स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि इस साइड का फाइनल करने के बाद जैसा रोड को शिफ्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद उधर काम किया जाएगा। तो इस तरह कुछ सीन है यहाँ पे। अभी हम लोग पासवान चौक पे ही खड़े हैं, देखते हैं पासवान चौक है यहाँ पे, खड़ने से काम थोड़ा दिखा होगा आपको। और इतना जाम है क्या कोई अपडेट देने में बनता नहीं है। चलते हैं आपको आखिर कुछ अपडेट देके आपको हम वीडियो एंड करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है और काफ़ी ज़्यादा जाम भी है। चलिए आगे चलते हैं। और देखते हैं यहाँ पे
मिट्टी फिलिंग का काम जो है चल रहा है, साइड में रखा हुआ है। और जो बनाना था यहाँ पे जो भी नाला बनाना था, लोग काम यहाँ चल रहा है, नाला काम यहाँ पे हो चुका है। और इसके ऊपर जो है जो साइड में जो है रैंप बनेगा ऊपर से उतरने के लिए, इस साइड हम लोग उतरने वाला एरिया है, उधर से पासवान चौक से इधर से उतरेगा, तो यहाँ पर उतरेगा तो उसके लिए भी साइड में जो बैरियर्स होते हैं जो उसको हाइट देने के लिए, वो यहाँ पर रखे हुए हैं। और जैसे उधर काम हालांकि कंप्लीट होता है फिर इधर भी काम जो है शुरू किया जाएगा। उस साइड में जो है अब ज़मीन अधिग्रहण काम शुरू कर दिया गया, यानी मिट्टी उट्टी को जो फिलिंग करने का काम शुरू कर दिया गया। देख सकते हैं इस साइड में भी देख सकते हैं कि वहाँ पर मशीन सीन जो है लगी हुई है, और इधर पेड़ सब काट दिया गया है सारा, यहाँ भी काम तेज़ चल रहा है। और हर जगह जाके अपडेट देना अभी मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि इतना ट्रैफिक है, इतना जाम है, और हर जगह कुछ काम चल ही रहा है। जैसे कितना शोर है यहाँ पे, हर बस ट्रक्स चलते रहते हैं, क्या थोड़ा सा दिक्कत होता है अपडेट में। आई होप कि वीडियो को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो भी आपको अपडेट मिले हो मैं वो दूँ तो आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।